शहर के बाबूपुरवाद थाना क्षेत्र के सुजातगंज की एक महिला को 3 तलाक देने के बाद उसका पति उसे छोड़कर सऊदी अरब भाग गया, लेकिन उसका देवर अपने दोस्तों के साथ लगातार पीछा कर रहा है। महिला का आरोप है कि देवर ने मायके में आकर धमकी दी है कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो छपाक फिल्म वाली कहानी दोहरा दी जाएगी। सुजातगंज की एक महिला की शादी पिछले साल जुलाई में बाबूपुरवा निवासी नूरजादे से हुई थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति और उसके घर वाले 5 लाख रुपए मांगने लगे। मांग पूरी न होने पर मुझे परेशान भी किया जाने लगा। इसी बीच पति ने 3 तलाक दे दिया। महिला ने 1 महीने पहले बाबूपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद नूरजादे सऊदी अरब भाग गया। तब मुकदमा वापस करने के लिए देवर फैजल अपने साथियों के साथ मायके में आकर धमकी देना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले फैजल अपने 3-4 दोस्तों के साथ आया और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर जब तेजाब की बोतल दिखाई और इशारा करके बोला कि छपाक पार्ट 2 बना दूंगा। इस घटना के बाद से पीड़िता इतनी सहमी है कि किसी से मिलना नहीं चाहती, न ही मीडिया के सामने आ पा रही है। पीड़िता ने अपनी दुख भरी दास्तां एक वीडियो बनाकर शेयर की। विचलित कर देने वाली ये वीडियो में पीड़ित महिला रोते हुए बता रही है कि मैंने जांच अधिकारी से शिकायत करी थी। आगे बताया कि मेरे पिता नहीं हैं, माँ कपड़े सिलती है, ये लोग बहुत ही सातिर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी धमकी से डर कर हम लोग कहीं नहीं निकल रहे। वीडियो में रोते हुए पीड़ित महिला ने मदद की गुहार लगाई है। इस बात पे डिप्टी एसपी आलोक सिंह का कहना है कि उन्हें देवर की धमकी प्रकरण की जानकारी पीड़िता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर कार्यवाही करेंगे। महिला को सुरक्षा दी जाएगी। कानपुर से कैमरामैन संदीप के साथ हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस तरीके से क्या घटना हुई आपके साथ, आप क्यों आई यहाँ पे? 5 जुलाई को मेरी शादी नूरजादे उर्फ ईशान के साथ हुई थी, जो कि चाचा नेहरोली कॉलोनी अजीतगंज के रहने वाले हैं। मैंने 4/11/2019 को यहाँ पर FIR लिखाई थी। तो मेरा 161 का बयान अभी नहीं हुआ है, तो हम 161 के बयान के लिए सर के पास आए थे। फिर क्या हुआ? तो राजीव सर ने बोला है कि अभी वो बयान करा रहे हैं। कौन लोग हैं, किस तरीके से परेशान कर रहे थे? सर मेरे ससुराल वाले हैं, 5 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं, और देवर ने भी कुछ बदतमीजियाँ अश्लील हरकतें की थी। तो जब हमने विरोध किया तो ससुराल वालों ने पति के साथ मिलकर साजिश बनाई कि तुम लड़की के मायके में रहने लगो और सऊदी जाके तलाक दे देना और हम लोग यहाँ बेदखल कर देंगे, तो कि मतलब सब बच जाएंगे और मोदी जी जो नियम निकाले हैं कुछ नहीं हो पाएगा, सऊदी से बुलाकर कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात का सबूत है मेरे पास, हम आप लोगों को वो सबूत भी देंगे। बस हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, मेरे पति को सऊदी से बुलाया जाए, और जो मेरे देवर ने किया, मेरे ससुराल वालों ने किया, जो भी मेरे दोषी हैं सबको सजा मिले। किस तरीके से आपको तलाक देने की बात कही और कहाँ जाके तलाक दिया आपको? सऊदी चले गए वो, और सऊदी जाकर उन्होंने हमको फ़ोन किया और ये कहा कि 5 लाख रुपए जो देने की बात मेरे घर वालों ने कही थी वो कब दोगी। हमने कहा मेरे पापा नहीं है, मेरी अम्मी सिलाई करती हैं, हम पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने गालियाँ दी और हमको तलाक दे दिया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सअप पे 3 बार तलाक तलाक लिख के भेजा और लिखा कि अब जाओ तुम, इस्लाम के हिसाब से हमने तुमको फ्री कर दिया है, अब बस कानूनी कार्रवाई को झेलना बाकी है। कल लोगों ने आपको धमकी भी दी थी, कुछ आपको फुटेज दिखाए थे मोबाइल पे, ये क्या मामला? जी मैं कुछ दिन पहले अपने घर के लिए मम्मी की सिलाई की दुकान के लिए जा रही थी, तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मोबाइल में हमको ऐसे मेरी कुछ अश्लील फोटो दिखाई जो मेरे पति द्वारा ली गई थी। तो बोले वायरल करने में टाइम नहीं लगेगा और डाल देंगे नेट पर, तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। इसकी शिकायत मैंने अपने IU राम कुमार रावत सर से भी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर अब अभी मुझे 2-3 दिन पहले धमकी मिली है कि चुपचाप बैठ जाओ, FIR वापस ले लो, वरना छपाक 2 बना देंगे, तेजाब डाल देंगे तुम्हारे चेहरे पे। अभी कम जिंदगी खराब हुई है, आगे और हो जाएगी। पुलिस ने अभी तक पूरे मामले में आपकी क्या मदद करी? पुलिस ने बस मेरी FIR लिखी और उसके बाद मेरा मामला कोर्ट से मीडिएशन सेंटर चला गया, वो खारिज हो गया। फिर बाबूपुरवे में कुछ दिक्कतें हो गई थी, आप सबको पता है, जिसके वजह से थोड़ा सा काम डिले हो गया और तबादले हो गए मेरे IU के, इस वजह से मेरा बयान नहीं हो पाया है। बाकी राजीव सर बहुत अच्छे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे जो दोषी हैं उनको अरेस्ट भी किया जाएगा क्योंकि मेरे पास सबूत है
और पुलिस और मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। अभी तक किसी तरीके की कोई किसी गिरफ्तारी हुई है? कुछ नहीं हुआ है, हमको धमकियां मिल रही हैं। अगर किसी की गिरफ्तारी हुई होती ना तो शायद धमकियां ना मिलती। और मेरा पति मेरे जानने वालों को फोन करके हमें खूब गाली देता है, कहता है भागेंगी दौड़ेंगी चुपचाप बैठ जाएंगी कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक ताकत है नाच लें।